रांची के बंधुनगर इलाके में रह रहे लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। निगम के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया है। प्रार्थियों ने कोर्ट को बताए बिना नोटिस ही चल रही कार्रवाई हुई। आगामी 2 सितंबर को होगी अब मामले पर अगली सुनवाई। तो एक बड़ी राहत मिली है इस वक्त, जिसमें प्रार्थियों ने कोर्ट को बताया कि बिना नोटिस के ही कार्रवाई चली, कोई नोटिस उन्हें नहीं दिया गया था और सीधे कार्रवाई शुरू कर दी गई और आगामी 2 सितंबर को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। तो बंधुनगर के निवासियों को बड़ी राहत मिली हाईकोर्ट से इस बार। आयुष, इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, क्या कुछ पूरा मामला है और फिलहाल क्या होगा आगे? हम जी पंकज, बिल्कुल आपने सही कहा कि बंधुनगर और इसके आसपास हिनू इलाके में रह रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि निगम ने ये कहा था कि जो नदी के किनारे का जो लगभग 15 मीटर का जो हिस्सा है वो अतिक्रमण के दायरे में, अगर कोई भी निर्माण होता है अतिक्रमण के दायरे में आता है और उसे तोड़ दिया जाएगा, जिसको लेकर कह सकते हैं कि आदेश जारी कर दिए गए थे और ये आदेश जो है नगर आयुक्त ने जारी किया था, जिस पर बंधुनगर के लगभग कह सकते हैं 12 प्रार्थियों ने रिट याचिका हाईकोर्ट में दायर किया और उसके पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी तरह से अवैध निर्माण को तोड़े जाने से पहले यह जरूरी हो जाता है कि उन्हें नोटिस दिया जाए, और अदालत के समक्ष जो प्रार्थियों ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है और इससे पूर्व भी कई घर तोड़े गए हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है कि उनका भी घर तोड़ दिया जाएगा, वैसे में अदालत ने उनके आदेश को निरस्त कर दिया। और मैं सुधार करना चाहूंगा पंकज की, आगामी 2 सितंबर को नगर आयुक्त की अदालत में कह सकते हैं कि इसकी प्रार्थियों की सुनवाई होगी, उनका पक्ष जाना जाएगा और ये तमाम चीजें होगी। तो कह सकते हैं ये रिट याचिका में सुनवाई करके जो नगर आयुक्त का आदेश है उसे निरस्त किया गया। चलिए, तो थोड़ी बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल, अब एक बार फिर से सुनवाई करना होगा नगर आयुक्त करेंगे कार्रवाई, इस पर सुनवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया, इस खबर पर पूरी जानकारी दी आपने आयुष। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की हमने आपको बताई।